Dikpe, Miraj Vachan is Shishikpe. Christmas reminds us to have the nature of God. Hallelujah. Christmas aaj hume yaad dilati hai ki hamare mein Parmeshwar ka roop, hamare mein Parmeshwar ka rang, hamare mein Parmeshwar ki boli, Parmeshwar ki bani, Parmeshwar ka chaal chalan. ये हमारे लिए दिखाना बहुत जरूरी है. क्रिसमस हमें इस बात को याद दिला चाहिए कि हमें और तुम्हें यीशु मसीह का एक सच्चा नमूना बनना है. यदि हमारे आवाज शायद बहुत जोर है तो सके वॉल्यूम थोड़ा नीचे कर दे. हालेलुया. चर्च में आज आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल जैसे कहती है, दैट वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट जीसस. हम और तुम यीशु मसीह को इस पृथ्वी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब लोग हमें देखे उनके हम नहीं मांगे दिखाई पड़े, बल्कि यीशु मसीह हमारे में दिखाई पड़ना जरूरी है. द चर्च, मैं आपको इस वचन की गहराई में ले जाने से पहले, हम आज परमेश्वर की जो नेचर है, परमेश्वर का जो रूप रंग है, उसके विषय में आपसे बातें कर रहे हैं. लेकिन हम परमेश्वर के रूप रंग के विषय में आपको बताने से पहले हम देखें शैतान का रूप रंग. शैतान का रूप रंग है क्या? आपको मालूम है वो तो चोर है, झूठा है, हत्यारा है, वगैरह वगैरह. लेकिन उसका रंग एक ऐसा है, उसको कहते हैं सेल्फिश नेचर. उसका जो रूप रंग है वो सिर्फ मांगता है, अपने विषय में ही सोचता है, दूसरों को नहीं सोचता है कि हमारी झोली भर जाए, हमारा पेट भर जाए, हमारे पास सब कुछ, ये हमारा हो जाए, वो हमारा हो जाए, ये सब कुछ मांगते हैं कि मुझे खीरा दे दे, मुझे आपूल दे दे, मुझे केरा दे दे, 4 इंच दाढ़ी वाला खसी की जरूरत है, बढ़िया मुर्गा की जरूरत, ये चाहता है, वो चाहता है, ये दे दे, वो दे दे. वो सिर्फ मांगता है, उसके ये नेचर है खाली मांगे, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं. वो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है उसके पास. यहां तक कि ये जो क्रिसमस का दिन है, इस दिन को भी वो मांगता है उसका दिन हो जाए, यीशु का दिन नहीं उसका दिन हो जाए. अफसोस की बात है कि कुछ कुछ मसीह लोग इस क्रिसमस के दिन शैतान को दे रहे हैं. कुछ कुछ मसीह लोग, अफसोस की बात है. अच्छे अच्छे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्रिसमस एक ऐसा दिवस है, एक ऐसा समय है कि आज दुनिया में चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक जाति जाति के लोग इस दिन को इंतजार करते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. चाहे वो यीशु को नफरत करता हो, यीशु को मानता भी नहीं, उसके नाम भी सुने नहीं मांगे, लेकिन उसके जन्मदिन को वे सेलिब्रेट करते हैं, अगोलते रहते हैं कब आएगा क्रिसमस. क्यों सभी जाति के लोग आज क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं? इसलिए यीशु मसीह सिर्फ एक ही मुक्ति दाता है हर एक जाति जाति के लिए. ग्लोरी टू गॉड. एक ही मुक्ति दाता सारे जगत में जो मनुष्य को जीवन दे सके. लेकिन शैतान आज इस क्रिसमस के दिन भी को छीनना चाहता है. अफसोस की बात है कि कुछ कुछ मसीह लोग आज क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते हैं. कई लोग कहते हैं ये तो पैगन वर्शिपर्स के लिए था. 25th December, मैं आपको बताना चाहूंगा, सचमुच में यीशु मसीह का जन्मदिन 25th December को नहीं हुआ था. उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसका कोई दिन तारीख नहीं है बाइबल में किस दिन वो पैदा हुआ. लेकिन एक दिन को निकाला गया है कि इस दिन हम याद करते हैं कि हमारा मुक्तिदाता इस जगत में मनुष्य बन के आया हमें और तुम्हें जीवन देने के लिए. ग्लोरी टू गॉड. ये बात तो निश्चय है कि जरूर वो इस पृथ्वी में आए, जरूर वो पैदा हुए.
उसका दिन नहीं लेकिन उसके लिए हम लोग एक दिन निकाले। कुछ हजार वर्ष पहले की बात है, जबकि इसी तारीख को एक जाति के लोग वे दुष्ट आत्मा की आराधना कर रहे थे, शैतान की पूजा कर रहे थे, उसे चढ़ा रहे थे वगैरह वगैरह, ये पैगन वर्शिप इज लॉ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग यीशु मसीह की सच्चाई जान गए और वे दुश्मन की आराधना छोड़ के इस तारीख को यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, शैतान ने इस दुनिया में कोई भी चीज सृष्टि नहीं की है, वो कोई चीज सृष्टि कर नहीं सकता, एक छोटा सा मक्खी भी नहीं बना सकता। लेकिन आज वो 25 दिसंबर को चाहता है कि हम उसे दे दे, और कुछ कुछ मसीह लोग उसको दे देते हैं और सेलिब्रेट नहीं करते। चर्च 25 दिसंबर को भी हमारा परमेश्वर ने बनाया, हर एक दिन को परमेश्वर ने बनाया है, हर एक दिन को रचने वाला हमारा परमेश्वर है। क्या क्यों हम इस दिन को शैतान को दे दें? हमें शैतान को नहीं देना है। शैतान का ये नेचर है, उसका ये रूप रंग है कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो, सिर्फ मांगते हैं। शैतान के विषय में आप समझ लिए, वो सिर्फ मांगते हैं, अपना झोली भरे। लेकिन हम देखें मनुष्य का रूप रंग है क्या, मनुष्य का नेचर क्या है। मनुष्य का जो रूप रंग है शैतान के जो नेचर से कुछ कम ही नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, कब हम मिलेनिया हो जाए, कब हमारे पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो जाए, कब हमारे पास नया नया मोटर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, रात दिन भागते रहते हैं। पिछले सप्ताह न्यूजीलैंड से आया, वहां देख क्या है, वहां लोग भागे, एक जाए एक आए दूसरा आवे जावे भागते रहे, कब ये हो जाए, कब हो जाए, कब घर फ्री हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का भी रूप रंग ऐसा ही है कि हमारा झोली भर जाए, ये भी सेल्फिश नेचर है। कहां से प्राप्त किए हैं? शैतान से ही प्राप्त किए हैं। इसी कारण यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया हमें और तुम्हें अपना रूप रंग, अपनी चाल चलन, अपनी बोली वाणी हमारे अंदर में डालने के लिए, ताकि हमारे जीवन बदल जाए। इसी कारण बाइबल हमें कही थी रोमन्स 5:5 में कि जब हम और तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए, उसी दिन परमेश्वर ने अपनी प्रेम की आत्मा को हमारे और तुम्हारे हृदय में डाला है। क्यों उसने अपनी प्रेम की आत्मा डाला? क्योंकि हमारे में प्रेम रहा ही नहीं, हमारे अंदर में प्रेम नहीं रहा, दुश्मन के नेचर था, दुश्मन का रूप रंग था, इसलिए प्रभु ने अपना रूप अपना रंग हमारे जीवन में डाला है। और हमें परमेश्वर का जो रूप है, उसके जो रंग है, उसको मैनिफेस्ट में लेके आना है कि हमारे जीवन में वो मैनिफेस्ट हो, या हमारे जीवन में दिखाई पड़े। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, परमेश्वर पहले चीज, परमेश्वर है एक और। बाइबल हमें कही थी फर्स्ट जॉन 4:8 That God is love. Parameshwar prem hai. God is love. Aur jab Parameshwar prem hai, to prem kya karta hai? Prem deta hai. Love gives. Prem jo hai, wo apni jholi nahi bharta hai. Wo dusro ki jholi bharta hai. Prem deta hai. Isliye Bible kehti hai, give and it shall be given unto thee. Pressed down and shaken together and running over. तुम देगा तुम्हारी झोली खाली नहीं हुई। हम लिए कभी कभी हम लोग सोचता है अरे हम देगा हमारी झोली खलिया हो जाए। नहीं नहीं, बाइबल कहती है यदि तुम देगा तो तुम्हें दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? हिला हिला के, दबा दबा के, press down, shaken together and running over. जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, पहले के टाइम में जब एक थरिया आटा लेके कोई बोले ले जा पड़ोसी के दे दो, तो उसको फुलाए फुलाए के दे जाना, थरिया भरा है।
तो फुलाए फुलाए के नहीं बाइबल बताए हिलाए हिलाए के और दबाए दबाए यदि तुम हिलाएगा तो बैठी नीचे जाए तो तुम्हें और भरे पड़े Praise the Lord. इसी प्रकार से परमेश्वर तुम्हें दे हिलाए हिलाए के और दबाए दबाए के तुम्हें press down है shaken together and running over तुम्हें आशीष देगा कब जब तुम देगा परमेश्वर का nature है दे इसलिए बाइबल कहती है for God so loved the world that he gave परमेश्वर ने हमसे और तुमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा को दे दिया Glory to God. उसने दिया और उसने अपना एक लौता को बेटा को दिया आज billions of बेटा और बेटी को हासिल किया आप देखिए आप कितना यहाँ बैठे हैं इसी प्रकार आज कितने भी कलेशिया में कई लोग आज प्रभु की आराधना कर रहे हैं कैसे जब परमेश्वर ने अपना बेटा दिया अनेक से बेटा और बेटी को उसने हाफिज किया Glory to God. Praise the Lord. ना जब यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ मरियम ने यीशु को पैदा होने के लिए अपना गर्भ को दिया उससे दिया ताकि यीशु पैदा हो मरियम ने अपना गर्भ को दिया और जब मरियम को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था बच्चा को पैदा करने के लिए तो एक गधा के बच्चा ने अपना पीठी दिया ताकि मरियम उस पे सवार हो सके मरियम को और यीशु को वो गधा के बच्चा ने उसे खोया और फिर जोसेफ ने कई दरवाजा खटखटाए बच्चा पैदा होने के लिए अफसोस की बात मनुष्य ने अपना दरवाजा बंद कर दिया यहां तक कि होटल के दरवाजा भी खटखटाए उसने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया प्रभु यीशु के लिए लेकिन जब मनुष्य ने अपना दरवाजा बंद किया जानवरों ने अपना फाटक खोला ताकि यीशु मसीह गौशाले में पैदा हो सके जानवरों ने अपना घर दिया यीशु को पैदा होने के लिए और जब यीशु मसीह पैदा हुआ रात्रि का समय था और उस रात को चांद ने अपनी पूरी फुल मून में जितना तेजी से हम आज नहीं देखते हैं उसके दुगने तेजी रफ्तार से उसने अपनी ज्योति फैलाया अंधेरी रात में उजियाला किया उसने और फिर बाइबल कहती है चांद ने अपना ज्योति दिया आकाश के ताराओं ने अपनी टिमटिमाते हुए अपनी ज्योति को चमकाई ये आकाश की ताराएं रोज रात्रि को ज्योति चमकाते हैं लेकिन ऐसा चमक उन्होंने कभी नहीं चमकाया क्योंकि बाइबल कहती है कि ये तारा इतनी तेजी रफ्तार से चमका इतना तेजी ज्योति दिया कि मंजूसी लोग उसकी ज्योति में होके चल रहे हैं उनको रास्ता दिखाई दे रहा है किस रास्ते से जाए यीशु को तलाश करने के लिए तो हम देखते हैं कि ताराओं ने भी अपना ज्योति दिया और फिर बाइबल कहती है कि स्वर्ग दूतों ने एक स्वर्ग दूतों के दलों ने जरूसलम में आके यीशु मसीह की प्रशंसा दी यीशु मसीह की प्रशंसा दिया और भेड़ चराने वालों ने देखा स्वर्ग दूतों को प्रभु के लिए नाचते और गाते हुए उसकी आराधना स्तुति करते हुए और फिर बाइबल कहती है कि कई मंजूसी लोग आए कई कई मंजूसी यानी कि वाइस मैन कई आए यीशु को तलाश करते हुए उस तारा की ज्योति के सहारा से और वे उस घोड़साले में पहुंचे आप जाने मंजूसी होती कौन होती है मंजूसी किसको कहते थे वाइस मैन
ये एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग ये तंत्र मंत्र मारने वाले लोग ये हाथ पढ़ के भविष्य बताने वाले लोग पत्री खोल के तुम्हारी भविष्य बताने वाले लोग कहां से ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं शैतान की ताकत इस्तेमाल करते हैं लोगों के भविष्य बताने के लिए या दूसरे रूप से ओझा की समान है अविश्वासी लोग हैं अविश्वासी लोग आए सिर्फ अविश्वासी नहीं शैतान की आराधना करने वाले यीशु के आगे आके उसके चरण के आगे झुक के यीशु की आराधना किए और शैतान को छोड़ दिए दुष्ट आत्मा को छोड़ के उसको रिजेक्ट करते हुए रिनाउंस करते हुए यीशु के आगे दंडवत किए और उसकी आराधना किए दे गेव देयर वर्शिप टू जीसस वे अपनी वर्शिप यीशु को दिए और सिर्फ इतना ही नहीं अपने साथ में सोना मोल और लोबान लिया यानी कि इत्र परफ्यूम गोल्ड और स्पाइस उनके जिंदगी भर का कमाई वे यीशु के चरण के आगे रखती है वे गोल्ड दिए उसको इत्र दिए स्पाइसेस दिए परफ्यूम दिए वे दिए अपने जीवन भर की कमाई दे दिए यीशु को हालेलुया यीशु जब आया उसका रूप रंग सिर्फ उसी में नहीं है उसका रूप रंग जानवरों में आया उसका रूप रंग मंजूसियों में आया और वे सब देना सीखे ये सब सेल्फिश लोग थे लेकिन अब ये देना सीखे वो अनॉइंटिंग आया कि लोग देना सीखे जब ये दंत मंत मारने वाले जो शैतान की आराधना करते हैं जब वे जानेंगे कि ये मुक्तिदाता है और वे उसको अपना दिल दे दिए तो क्या शैतान को नहीं मालूम है जब उसके पूजा करने वाले मालूम है उनको मालूम है शैतान को क्या नहीं मालूम है शैतान को मालूम है मुक्तिदाता पैदा हुआ है तो शैतान को भी कुछ देना है शैतान ने कहा हम कुछ नहीं देगा इस मुक्तिदाता के हम नहीं देगा कोई चीज लेकिन परमेश्वर ने कहा शैतान तुम्हें भी कुछ देना है शैतान ने कहा मैं नहीं दूंगा परमेश्वर ने कहा तुम्हें उस चेन को देना है उस बंधन को देना है जिसपे तूने मनुष्य जाति को बांध के रखा उस बॉन्डेज को देना है और शैतान देना नहीं चाहा लेकिन फिर भी उसको देना पड़ा मनुष्य के छुटकारा उसको देना पड़ा मनुष्य ने क्या दिया हम और तुमने यीशु मसीह को क्या दिया मनुष्य ने या हम और तुमने अपने पाप को दिया अपने श्राप को दिए अपने बीमारी रोग को दिए अपना जीवन यीशु को दे दिया जिस दिन यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे दिल में जन्म लिया हमारे जीवन में जन्म लिया मुक्तिदाता बन के आया हमारे और तुम्हारे जीवन में उस दिन हम और तुमने अपना गुनाह यीशु को दे दिया हमारी चाल चलने बदल गई आज देखिए आप कलीसिया में बैठा है यदि यीशु को दिल नहीं देता आज इतना टाइम तुम शायद नशा में झूमता है इतना टाइम शायद खसी छीनता पता नहीं क्या करता है लेकिन आज आप परमेश्वर के भवन में क्यों क्योंकि आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी में पैदा हुआ इसलिए इस जगत में आए ताकि वो अपना जान को दे सके क्रॉस इसीलिए वो पैदा हुआ ताकि वो अपनी जान की कुर्बानी दे ताकि हमारी प्राण बच जाए और आज यीशु इस क्रिसमस के दिन हमें और तुम्हें यही सिखलाता है कि हमारे में भी यीशु का रूप यीशु का रंग होना
बांसुरी हम और तुम भी देना सीखे हम और तुमको बहुत कुछ दे सकते हैं यदि हमारे बीच में किसी के पास कुछ नहीं है किसी के घर में भोजन नहीं हम और तुम उन्हें भोजन दे वस्त्र नहीं तो हमें उनको वस्त्र देना है आप परमेश्वर के भवन में आए आप अपना ऑफरिंग देते हैं आप यदि प्रभु के भवन में आए और आप देखें चर्च महिला आप चर्च में झाड़ू मार दे आप प्रभु के लिए करते हैं हंडी महिला है बर्तन महिला है आप आके हंडी माज दे बर्तन धोए दे किसी के लिए करता है प्रभु के लिए करता है इसीलिए बाइबल के लिए है ऑन द डे ऑफ जजमेंट न्याय के दिन एक ही शब्द होगा प्रभु की जुबान से कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दिया जब मैं प्यासा था तूने मुझे जल दिया मेरा भवन जब मैला था तूने मेरा भवन को साफ किया तूने अपना ऑफरिंग दिए तूने अपना टाइट दिए तूने दिए इसलिए मेरे बाप के धन्य लोग हैं मेरे बाप के राज में प्रवेश कर जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किए लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में देना वाला जीवन नहीं है और सेल्फिश जीवन है तुम कभी नहीं दिए तो तुम्हें स्वर्ग भी नहीं दिए जाए और तब वो कहेगा ऐसा पिंडो पाई हो चली जाए नरक की आग में जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार की गई तो चर्च इस क्रिसमस के दिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने आपके अंदर में उस प्रेम की आत्मा डाला है ताकि उस प्रेम के द्वारा ही आप दे सके किसी को हालेलुया एक समय की बात अमेरिका में एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के पास्टर्स लोग इकट्ठा हुए थे कई हजार पास्टर्स आए हुए थे और एक दिन लंच ब्रेक के समय में कुछ पास्टर्स लोग एक रेस्टोरेंट में गए भोजन करने के लिए और जब ये पास्टर्स लोग भोजन कर रहे थे अचानक एक बूढ़ा आदमी आया उस रेस्टोरेंट में उसका कपड़ा फटा फटा है मैला कपड़ा है और इस पास्टर्स लोग जिस टेबल पे बैठे उसके पीछे टेबल पे वो बैठ गए थोड़ी देर में वेटर्स आया और इस बूढ़ा आदमी को डांटा और उसको रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिए ना पैसा है ना कौड़ी यहां के यहां आके बैठिए निकल जाए उस बूढ़ा आदमी को बाहर निकाला ये पास्टर्स लोग ये सारी घटनाएं देखा और उसमें से एक पास्टर जिसका नाम था पास्टर डोन ये पास्टर उठा और सीधा ही गया उस वेटर्स के पास और उसे पूछते हैं तुमने क्यों उसे निकाल दिए क्यों उस आदमी को निकाल दिए वेटर्स कहती है कि तुम उसके बारे में कुछ परवाह नहीं करे तुम नहीं वरी करे उसके बारे में ये पास्टर पूछते हैं यदि उसके भोजन का दाम मैं चुका दूं क्या तुम उसे मौका देगा भोजन करने के लिए वेटर्स ने कहा जरूर तुम उसके दाम चुका दे वो बैठ के भोजन कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं सो ये पास्टर गया रेस्टोरेंट से बाहर और वो देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी दरवाजे के किनारे खड़ा है और उसने उस बूढ़ा आदमी को बुला के लेके आया और उसी सीट पे बैठा दिए और उसके लिए एक अच्छा भोजन हो रखी है और ये पास्टर देख रहा है कि वेटर्स उसको सेव करे थोड़ी देर में वेटर्स ने उसको भोजन लेके आके सेव किया तब ये पास्टर जाके बाकी पास्टर्स के साथ में बैठ के वो अपना भोजन करने लगा जब वो भोजन कर रहा था अचानक से पास्टर ने अपना सर उठा के देखा और देखता है वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं है उसका भोजन वहां पे रखा हुआ है उसमें वो हाथ भी नहीं लगाया वैसे कि वैसा भोजन रखा है लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं है ये पास्टर सीधा ही गए वेटर्स के पास और उसे पूछते हैं तुमने क्यों
उसको फिर से निकाल दिया। वेटरेस कहती है, मैंने उसे नहीं निकाला, कहां चला गया वो मुझे मालूम नहीं। पास्टर ने उसको ढूंढा सारे रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट के पीछे बैकयार्ड में भी जाके खोजा, स्ट्रीट में भी खोजा, लेकिन ये बूढ़ा आदमी नहीं दिखाई पड़ा। ये पास्टर वापस दौड़ गया इस कॉन्फ्रेंस में। शाम को वो अपने होटल रूम में गए और रात्रि के समय वे घुटना टेक के पास्टर प्रार्थना कर रहा है। जब वो पास्टर प्रार्थना कर रहा था, अचानक से उसको किसी की पैर की आवाज सुनाई पड़ी। उसके होटल रूम में कोई चल रहा। ये पास्टर पीछे मुड़ के ताका और देखता है वही बूढ़ा आदमी उसके होटल रूम में। और ये बूढ़ा आदमी कहता है, जब मैं भूखा था और फिर वो गायब हो गए। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु की इच्छा है कि हमारे में और तुम्हारे में यीशु का देने वाली रंग दिखाई पड़े। इसी कारण उस दिन वो कहेगा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दिया, मेरे बाप के धन्य लोग हैं, मेरे बाप के राज को प्रवेश करो। चर्च, ये क्रिसमस हमें आज याद दिलाती है कि हमें और तुम्हारे जीवन में यीशु दिखाकर बहुत ही जरूरी। यदि हमारे जीवन देने वाला जीवन है तभी यीशु दिखाई पड़े। यदि हमारे जीवन में प्रेम है जो प्रभु ने डाला है, और यदि ये प्रेम नजर आ, प्रेम देता है, यदि ये प्रेम हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो तभी हम दे सकते हैं। इसी कारण हमारे जीवन में जब ये प्रेम दिखाने के लिए हम कदम ले, तो प्रेम का नौ फल हमारे लिए ये नौ फल दिखाना जरूरी। लव, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी आत्मा का नौ फल यदि हमारे लिए दिखाई पड़े तो हमारे जीवन में परमेश्वर दिखाई पड़े। हम और तुम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे इस संसार। यदि हम उल्टा करेगा, बुरा काम करेगा, लोग क्या बोलेगा, ये क्रिश्चियन है, ये चर्च है। लेकिन यदि हम हमारे भी यीशु दिखाई पड़े तो हमारे जीवन में हम नहीं बल्कि यीशु दिखाई पड़ेगा, उसकी ज्योति चमकेगा। और जब उसकी ज्योति चमकेगा, अंधकार में डूब रहे लोग हमारे जीवन को देख के वही ही प्रभु के राज में आए। यदि हम किसी को टेक्स्ट दे दे पढ़ने के लिए, यदि हम किसी को बाइबल दे दे पढ़ने के लिए कि इस पढ़े में वो परमेश्वर के राज में आ जाए, जानते हो टेक्स्ट को, वो बाइबल को ले जाके वो सेल्फ पे रख देगा, वहां पे गर्दा पकड़ेगा, वो नहीं परवाह करेगा। असली बाइबल हम और तुम है। यदि हमारे में वो प्रेम दिखाई पड़े, लोग हमें देख के पढ़ेगा कि जरूर ये असली मसीह है। और जब हमारे में वो प्रभु का प्रेम देखेगा, वे भी खिंचाते हुए प्रभु के राज में चले आए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज से आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखाई पड़े, ताकि आपका जीवन देने वाला जीवन हो जाए। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया। साढ़े नौ बज चुका है, कोई गुजर अपन खड़ी ताकि है, मेरी ध्यान आपके कहीं और है।